You to stay with us. लेकिन इस बीच हमारे टेक्निकल पैनल पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके रेडार पर कौन से शेयर्स हैं, ट्रेडिंग आइडियाज वो आज के सेशन के लिए क्या लेकर आए हैं, चलिए ट्रेडिंग पिक्स से शुरुआत करते हैं। प्रशांत, शुरुआत आपसे करेंगे, बताएं कौन से ट्रेडिंग आइडिया स्पॉट किए हैं आपने? जी मानसी, साल की शुरुआत है तो थोड़ा इन्वेस्टर के हिसाब से मैं बताऊंगा। अजय जी डेफिनेटली सुन के खुश होंगे, तो क्योंकि पिछली बार जब साल की शुरुआत हुई थी तब मैंने HBL पावर के बारे में बात की, करीबन 57-58 था, जो ऑलमोस्ट साल भर में 110-115 तक जाके आया। स्लो मूवर था बट अच्छे रिटर्न दिए। इस साल जो दो स्टॉक्स मेरे रडार पे होंगे और टोटली फ्रॉम अ पोर्टफोलियो परस्पेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव, एक मेरी राय यह है कि जो शुगर सेक्टर है ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्गली मूव होगा और इसमें रेणुका शुगर्स मुझे पसंद है। मैं इसमें क्लोजिंग बेसिस 44 का स्टॉप लॉस रखूंगा फ्रॉम अ पोर्टफोलियो बेसिस और मेरा टारगेट 1 होगा 88 का और टारगेट 2 मेरा होगा 95 का। मुझे लग रहा है ये स्टॉक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन में रहा और ये कंसोलिडेशन जहां तक मैं देख रहा हूँ एक एक्युमुलेशन साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ते गए धीरे धीरे और ब्रेक प्राइस में ब्रेकडाउन नहीं आया, तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा फॉर द पोर्टफोलियो। नेक्स्ट पिक मेरा होगा जिंदाल सॉ। मुझे लग रहा है ये स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है और ओवरऑल ये हर डिप में बाय करना चाहिए जब तक ये 75 का लेवल ब्रेक ना करे, और यहाँ पे मेरा टारगेट 1 होगा 145 का, अभी करीबन 100 के आसपास है, 145 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 175 का। तो ये दो मेरे मिड और स्मॉल कैप स्पेस में होंगे और एक जो फ्रंट लाइनर जहाँ पे मैं ध्यान रख रहा हूँ, जो स्लो मूवर है हमेशा कभी रडार में नहीं आता है बट इस साल मुझे लग रहा है जो काफी अच्छा चल सकता है और अलॉन्ग विद डिविडेंड एक प्राइस मूवमेंट भी आ सकती है, वो होगा IOCL इंडियन ऑयल। तो इन तीन स्टॉक्स पे मेरी ध्यान होगी जैसा मैंने कहा टोटली फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, और जो ट्रेडिंग के शॉर्ट टर्म पिक्स होंगे वो जैसे जैसे हम साल में प्रोग्रेस करेंगे डेफिनेटली हम वहां ऐड करते जाएंगे, बट ये तीन स्टॉक्स मेरे हिसाब से इस साल पोर्टफोलियो में काफी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। लाइनर, IOC और इनफैक्ट कच्चे तेल की चाल, क्रूड एनर्जी पैक में जो बड़ा उबाल है इसके चलते ऑयल मार्केटिंग और ऑयल प्रोड्यूसर्स पर नजर रखनी चाहिए। वहीं जिंदाल सो और प्रशांत का ये कहना है कि अपने खान पान में, अपने डाइट में चीनी को कम कीजिए, लेकिन पोर्टफोलियो में शुगर स्टॉक्स को बढ़ा कर रखें, क्योंकि चीनी शेयरों की मिठास जो है लगातार बढ़ती हुई दिखी, राइट प्रशांत? ओके, तो चलिए प्रशांत, आप ये कह रहे हैं ना कि चीनी शेयरों को पोर्टफोलियो का हिस्सा ट्रेडिंग आपके नजरिए से भी बनाकर रखना है। जी मानसी, एक और चीज है, एक जो मेरा IOCL पे व्यू है उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक हम 2G इथेनॉल यूज करते जा रहे हैं, चाहे वो प्राज कहे या कहे काफी सारे फॉर्म्स है, बट मुझे लग रहा है कि इस साल जो 3G इथेनॉल रेवोल्यूशन में हम जाएंगे वो शायद पूरे वर्ल्ड में ऐसे एक या दो ही रिफाइनरीज है जहां तक मुझे पता है, और मे बी IOCL माइट सरप्राइज अस विद समथिंग इन दैट स्पेस। तो यहाँ पे इसीलिए मेरा ध्यान है फर्स्ट थिंग, और शुगर सेक्टर जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीजें कंबाइंड होगी और शुगर के प्राइसेस भी इंटरनेशनली देखें तो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर डेफिनेटली सेक्टर टू वॉच होगा। तो काफी दिनों से इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है और एक टेक्निकल में बात कही जाती है कि लॉन्गर द कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्गर इज द ब्रेकआउट, तो जितने सालों का कंसोलिडेशन है वो जब ब्रेकआउट हो रहा है तो मुझे लग रहा है ये बहुत जल्द रुकेगा नहीं, स्लो मूवर होगा, काफी पेशेंस टेस्ट करेगा, बट ओवरऑल अगर हम अगले दिसंबर में बात करेंगे शायद ये स्टॉक हमारे टारगेट्स के ऊपर ही हो। चलिए, ये सारे के सारे शेयर्स हैं, ट्रेडिंग आइडियाज फ्रॉम प्रशांत। सुमित, आप बताएं आपकी तरफ से, क्योंकि ऑटो बिक्री के डेटा आए हैं, अब ऑटो एंसिलरी भी फोकस में रहेंगी, क्या इन क्षेत्र से जुड़े स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर और खरीदारी की राय होगी? जी बिल्कुल, जैसे कि हम हर बार बोलते हैं कि हमारा मेजरली जो फोकस रहता है वो डिलीवरी बेस्ड कॉल्स के लिए रहता है, तो 2023 का फर्स्ट ट्रेडिंग डे है, तो मेरे जो तीन पिक्स हैं उनमें से दो जो रहेंगे वो पूरे साल के नजरिए से रहेंगे, उनमें दो जो है वो ऑटो के रिलेटेड ही कंपनीज है। मैं पहले स्टार्ट करना चाहूंगा REC से, REC लिमिटेड, यहाँ पे 52 वीक का एक हाई का बना है और विथ वॉल्यूम, यहाँ पे अगर देखें तो वीकली चार्ट पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट आया है, सो इट इज द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। हमें एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से 20-30% तक का मूव आ सकता है अगले 3-6 महीने में, तो यहाँ पे आप एडिशन कीजिए। 139 का टारगेट रहेगा, 154 का सेकंड टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं बिलो 105। तो जो दूसरा है वो रहेगा मेरा गैब्रियल इंडिया। गैब्रियल इंडिया अगर आप देखें तो यहाँ पे 2018 के बाद जो लेवल्स अब जाके अचीव हुए हैं वहां पे सस्टेन भी कर रहे हैं, वॉल्यूम भी बना है,
बिल्कुल आप हर डिप में ऐसे बाई कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 158 का, टारगेट अपसाइड में 235 एंड 284। थर्ड स्टॉक जो है वो है महेंद्र सीआई। जैसे कि अभी प्रशांत ने बोला लॉन्गर द कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये एक इसी तरह से कंटेंडेंट है। अगर आप देखें तो इसने अपने लाइफ टाइम हाई को अब जाके टच किया है। मंथली कैंडल जो है काफी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ मरबजू कैंडल विथ अ गुड वॉल्यूम, तो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। और क्लोजिंग जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप ऐड कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 550, स्टॉप लॉस रहेगा 253 का। ठीक है, सो ये आपके कुछ बाय रिकमेंडेशंस हैं, अच्छे ट्रेंड में भी है गैब्रियल जैसे स्टॉक, महिंद्रा सीआई जैसे स्टॉक्स, उन पर आप बेट कर रहे हैं। ठीक है, धर्मेश भी हैं। धर्मेश आपके क्या होंगे आज के ट्रेडिंग आइडियाज? आई विल डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स। एक है कि हमारा जो ईयरली रिपोर्ट निकला था जहाँ पे हमारी टॉप पिक्स जो थी, वी हैव अ टारगेट फॉर द निफ्टी फॉर 21,400 फॉर द ईयर 2023, वेयर वी बिलीव कि हमें लग रहा है कि इंफ्रा, बीएफएसआई एंड पीएसयूज आर द वंस विच शुड रिलेटिवली आउट फ्रॉम द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। सो हमारी टॉप पिक्स जो रहेंगी उसमें एक है एलएनटी, आई थिंक सो। एलएनटी अगेन आई वुड से द कैपिटल गुड्स एज अ सेक्टर हैज रेजोल्यूट अ लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, तो कहीं ना कहीं ये लंबा ब्रेकआउट जो काफी सालों का है वो हमें निराश नहीं कर सकता है कि 10 से 15% के मुंह के बाद। तो वी बिलीव आई थिंक सो गोइंग फॉरवर्ड कि ये कंटिन्यूशन रहेगा कैपिटल गुड्स में मोमेंटम नेक्स्ट ईयर भी, मतलब 2023 में। तो एलएनटी आई थिंक सो अलोंग 12 years of long resolute, I would say the breakout which has happened with the long rising supply line. I think so. We feel, I think so. For L&T, a target for the stock remains to be at 25.20 for L&T. So buy the dips for रिक्वेस्ट है कि L&T. आप हिंदी में Second stock. धर्मेश, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको बीच में रोकने के लिए, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, आप हिंदी में अगर हमारी अपनी रिकमेंडेशन शेयर करें, हमारे व्यूअर्स हिंदी में ज्यादा रिलेट करेंगे प्लीज। सॉरी सॉरी जी, या सो एलएनटी रिमेंस टू बी द एलएनटी हमारी टॉपिक रहेंगी इनसाइड द कैपिटल गुड स्पेस। अपार्ट फ्रॉम एलएनटी हमें लग रहा है कि जो सेक्टर्स अच्छे कर सकते हैं वो है बीएफएसआई, जहां पे अगेन इस साल हमने देखा तो बीएफएसआई रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को, और ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वी बिलीव नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू रहेगा इन बीएफएसआई। तो फेडरल बैंक है अमंग द प्राइवेट बैंक्स जो हमें लग रहा है कि 5 साल का लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जहाँ पे फेडरल बैंक कुछ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हुआ है, तो फेडरल बैंक भी एक है जहाँ पे देख सकते हैं बाय द डिप्स फॉर फेडरल बैंक फॉर टारगेट ऑफ 168। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रॉम द पीएसयू स्पेस जहाँ पे हमें लग रहा है कि मिधानी मिश्र धातु निगम, आई थिंक सो अगेन द 30 months ऑफ लॉन्ग कंसोलिडेशन उसमें भी हमने देखा ब्रेकआउट, तो कहीं ना कहीं मिश्र धातु निगम यहाँ पे 295 के टारगेट के साथ हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक सो फॉर द मार्केट की बात करें तो इंफ्रा, पीएसयूज एंड कैपिटल गुड्स एंड बीएफएसआई में एक आने वाले सालों में हम देख सकते हैं कि एक अच्छी तेजी देख सकते हैं। ओके अविनाश से भी जान ले।